आखिर क्या है ये FPO और इस FPO ने मार्केट में हलचल क्यों मचाई हुई है। दरअसल अडानी ग्रुप ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को बुधवार वापस ले लिया था। इसके बाद गौतम अडानी ने खुद सामने आकर निवेशकों को समझाया और FPO को वापस लेने की वजह भी बताई। लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर FPO होता क्या है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को सेकेंडरी ऑफरिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कंपनी मौजूदा शेयर धारकों के साथ साथ नए निवेशकों को नए शेयर जारी करती है। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस का ये 20,000 करोड़ रुपए का FPO 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 31 जनवरी को फुल सब्सक्राइब होकर क्लोज हुआ था। लेकिन इसको वापस लेने की वजह क्या है? इस वजह के बारे में गौतम अडानी ने कहा कि बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने महसूस किया कि FPO के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। गौतम अडानी ने ये भी कहा कि शेयर बाजार में हलचल और मार्केट में उठापटक को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, इसलिए हम FPO से प्राप्त रकम को वापस करने जा रहे हैं और इससे जुड़े लेन देन को भी खत्म कर रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर बुधवार को 28.5% गिरकर 2,128 रुपए पर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस ने 3,112 रुपए से 3,276 रुपए के प्राइस बैंड में शेयर बेचे थे। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 39% से अधिक नीचे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया TV।